प्रिय संस्कृत मित्राण, नमः संस्कृत। संस्कृत दिवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूत की चर्चा चल रही है। मेघदूत में पूर्व मेघ की चर्चा चल रही है। 63 श्लोकों तक की चर्चा हो गई, इसके अर्थों को जाना। आज 64वां श्लोक लेकर आए हैं। हाँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल से जुड़े, पसंद आए तो लोगों तक शेयर कीजिए। आइए, मंदाक्रांता छंद है, 4-6 पर यति होती है, थोड़ा ही समय के लिए रुका जाता है और उसी क्रम में आज का श्लोक है, मंदाक्रांता छंद है। आइए हमारे साथ वाचन कीजिए कि हे त्वातस्मिन् भोजगवलयम् शम्भुना दत्तहस्ता क्रीडाशैले यदि च विचरेत् पादचारेण गौरी भंगी भक्त्या विरचित बपुः स्तंभितान्तर्जलोघै सोपाना त्वं कुरु मर्तटा रोहणायाग्रयायै। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि तस्मिन् अर्थात उसी उसी किस पर, माने उसी कैलाश पर्वत पर। तो तस्मिन् क्रीड़ा शैले, उसी क्रीड़ा स्थल पर, उसी कैलाश पर्वत पर। तस्मिन् क्रीड़ा शैले और क्या है, च माने और, भोजगवलयम हित्वा और सांप रूपी माला को छोड़कर। तो सांप की माला कौन पहनते थे, भगवान शंकर। और पार्वती जी को सांपों से डर लगता था, इसीलिए यहाँ पर कालिदास ने यक्ष के माध्यम से कहलवाया कि हे मेघ, जब तुम उसी कैलाश पर्वत पर या उसी क्रीड़ा शैल पर, कैलाश पर्वत पर जाओगे तो भगवान शंकर भोजगवलयम हित्वा अर्थात सर्प रूपी माला को छोड़कर, जब वह सर्प रूपी माला को छोड़ देंगे तो शंभुना दत्त हस्ता, शंभु शंभुम शंभुना तृतीया का एक वचन है, तो शंभुना दत्त हस्ता भगवान शंकर के द्वारा दिए गए हाथ। दत्त हस्ता माने जिसको हाथ दिए गए या दिए गए हाथों वाली। तो किसको हाथ दिया, तो यहाँ पर आ गया गौरी। तो दत्त हस्ता जो है गौरी का विशेषण हो जाएगा कि दत्त हस्ता कौन है, गौरी है, माता पार्वती हैं। कि हे मेघ, जब उस कैलाश पर्वत पर तुम पहुँचोगे, उसी कैलाश पर्वत पर, तस्मिन् क्रीड़ा शैले, तस्मिन् क्रीड़ा शैले उसी कैलाश पर्वत पर, भुजगवलयम हित्वा अर्थात सर्परूपी माला को छोड़कर, सर्परूपी माला को छोड़कर, क्योंकि पार्वती जी सांपों से डरती थीं, इसीलिए शंभुना अर्थात भगवान शंकर ने पहले अपने गले से माला को हटा दिया। और जब माला को हटा दिया तो शंभुना भगवान शिव के द्वारा दत्त हस्ता दिए जाने वाली अर्थात जिसको हाथ दिया, ऐसी दत्त हस्ता गौरी को, पार्वती को। क्लियर हो गया। तो तस्मिन् क्रीड़ा शैले उसी कैलाश पर्वत पर, भुजग वाले अर्थात सर्प रूपी माला को छोड़कर, शंभुना भगवान शिव के द्वारा दत्त हस्ता अर्थात हाथ देने वाली अर्थात जिसको हाथ दिया, ऐसी माता गौरी को या पार्वती को जब उन्होंने हाथ दे दिया, तो दिया गया है कि विचरेत पादचारेण, यदि वह माता पार्वती के साथ पादचारेण पैदल ही विचरेत टहलने के लिए निकले।
कथानक को समझिए कि भगवान शंकर माता पार्वती के साथ जब टहलने के लिए निकले, और पार्वती कब शंकर जी के साथ आएंगी, क्योंकि पार्वती को सांपों से डर लगता है, इसीलिए पहली ही लाइन में लिख दिया कि भुजग वलयम हित्वा, कि भगवान शंकर के द्वारा सांपों की माला को छोड़कर जब भगवान शिव ने पार्वती के लिए हाथ बढ़ाया या पार्वती को साथ लेकर या हाथ दिया कि चलो टहलने के लिए निकलते हैं इस कैलाश पर्वत पर, तो वही शंभुना दत्त हस्ता गौरी पादचारेण विचरेत। जब भगवान शंकर माता पार्वती के साथ टहलने के लिए पैदल निकले तो क्या करना, तो ही दिया गया है कि भंग क्षमता, उसके बाद दिया गया है कि जैसे ही निकले तो अस्तंभित अंतः जल हो गई, अपने अंदर के जल के प्रवाह को रोके रखना। हे मेघ, जब भगवान शंकर माता पार्वती के साथ टहलने के लिए पैदल ही टहलने के लिए निकले तो हे मेघ तुम अपने अंदर जल के प्रवाह को रोके रखना, अस्तंभित अंतर जल हो गई। क्लियर हो गया, अस्तंभित माने रोके रखना, अपने प्रवाह को अंदर ही अंदर रोके रखना। और होगा क्या कि भंगी भक्त्या, और अपने शरीर को दिया है अग्रयायी आगे चलने वाले, तो आगे चलने वाला कौन है, मेघे मेघ अग्रयायी भंगी भक्त्या विरचित बपहु, अपने आगे चलने वाले मेघ तुम क्या करना, भंगी भक्त्या अपने शरीर को लहरदार बना लेना, विरचित बपु माने निर्माण कर लेना। कैसे शरीर का निर्माण करना, तो बताया कि सीढ़ीदार शरीर का निर्माण कर लेना। और होगा क्या कि दिया गया है कि मणि टटार आरोहण सोपान त्वम कुरु, ताकि वह मणि के शिखरों तक उनके लिए सोपान माने सीढ़ियों का, तो माने तुमको कुरु माने करना चाहिए, उनके लिए सीढ़ियों का कार्य तुम्हें मेघ करना है। इसीलिए जब भी भगवान शंकर अपने पार्वती जी को हाथ देकर पैदल चलने के लिए पादचारेण विचरेत पैदल चलने के लिए या टहलने के लिए निकले, तो तुम्हारे अंदर जो जल का प्रवाह है उसको थोड़े समय तक रोके रखना, और अग्रयायी और तुम आगे आगे चलने वाले हे में अपने को भक्ति भक्त्या विरचित बपो, अपने शरीर को लहरदार युक्त बना लेना, अर्थात तुम लहरदार सीढ़ियों से युक्त हो जाना। लहरदार माने कि सीढ़ी जो होती है उसमें बलय होता है, इसीलिए यहाँ पर बलय का अर्थ ही होता है कि जिसमें छोटे छोटे गड्ढे और चढ़ने के कार्य आते हैं उसी को बलय कहते हैं। तो विरचित बपो लहरदार सीढ़ियों से युक्त होकर मणि टटा आरोहण अर्थात मणि के शिखरों तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों का कार्य करना, कौन करेगा, तो दिया है तुमको भगवान शिव और पार्वती को मणि के शिखरों तक पहुँचने के लिए उनके लिए सीढ़ियों का कार्य करना। ये नहीं कि तुम इतना बारिश कर दो कि वह टहल न पाए, यहाँ पर यही विशेषता बताई गई कि जब भगवान शंकर शंभुना दिया गया है कि शंभु के द्वारा दत्त हस्ता जब हाथ बढ़ाया गया किसके लिए, पार्वती के लिए, और जब वह पार्वती पादचारेण बिचरे पैदल ही टहलने के लिए निकले, तो तुम्हें क्या करना है कि हे अग्रयायी हे मेघ आगे चलने वाले मेघ, तुम अपने विरचित बपु अपने शरीर का निर्माण भंगी भक्त्या अर्थात लहरदार सीढ़ी के रूप में कर लेना, क्योंकि जब वह टहलने के लिए उस ऊंचाइयों पर आगे कैलाश की ऊंचाइयों पर आगे बढ़ेंगे तो मणि टटा रोहण, अरोहण चढ़ने के लिए, मणि टट
माने मरीक से युक्त शिखरों पर जब वह चढ़ने के लिए आगे बढ़े। माता पार्वती और शंकर जब मरियों के शिखर पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े तो हे मेघ, अपने लिए क्या उनके लिए, तो माने तुमको क्या करना है, सोपानम कुरु, उनके लिए सीढ़ियों का कार्य करना। क्लियर हो गया। यहाँ आदेश दिया जा रहा है यक्ष के माध्यम से मेघ को कि हे मेघ, जब भगवान शंकर और पार्वती टहलने के लिए निकलें तो तुम्हें उनके लिए सीढ़ियों का कार्य करना है। अस्तंभित अंतर जलोघय, बरसना नहीं है, प्रवाह अपने अंदर ही रोके रखना ताकि वह उस कैलाश पर्वत पर टहल सके। इसीलिए दोनों चीज़ बताई गई कि अपने अंदर तुम प्रवाह को रोके रखना, बरसना नहीं, बरसोगे तो माता पार्वती और शंभु भगवान शंकर टहल नहीं पाएंगे, तुम्हारे बारिश के कारण वह पैदल टहलेंगे नहीं या शिखरों तक जाएंगे नहीं, वर्षा रुकने तक इंतज़ार करेंगे। इसलिए यक्ष ने पहले ही कहा कि जैसे ही वह पैदल भगवान शंकर और पार्वती टहलने के लिए निकलें तो अपने अंदर के स्तंभित अंतर जलोघय, अपने प्रवाह को रोके रखना और भंग अग्रयायी, अग्रयायी माने आगे चलने वाले, हे मेघ, तुम भंगी भक्त्या लहरदार सीढ़ियों के रूप में विरचित बपु अपने शरीर को बना लेना और मरी टटा आरोहण और उस मरियों के शिखरों पर जब वह चढ़ने लगें तो उनके लिए तुम माने तुम सोपान कुर, सोपान माने सीढ़ी होता है, सीढ़ियों का कार्य करना। क्लियर हो गया। तो यह मंदाक्रांता छंद में है, एक बार वाचन कीजिए। हे त्वातास्मिन् भोजगवलयम् शम्भुना दत्तहस्ता क्रीडाशैले यदि च विचरेत्। यदि क्रीड़ा के लिए, यदि विचरण के लिए, टहलने के लिए माता पार्वती निकलती हैं तो पाद चारेण गौरी, तो करोगे क्या कि भंगी भक्त्या विरचित बपु, अपने शरीर को लहरदार सीढ़ी की तरह बना लेना, निर्माण कर लेना। इसलिए विरचित बपु कहा गया कि अपने शरीर को सीढ़ियों के जैसा बना लेना, लहरदार शरीर बना लेना। स्तंभितांतर जलो गए, और अपने अंदर के जल के प्रवाह को रोके रखना, वर्षा मत करना। इसीलिए लास्ट लाइन में बताया गया कि सोपान तुम कोरो मणिटटा, कि उनके लिए सीढ़ियों का कार्य करना जब वह मरी के शिखरों पर आरोहण चढ़ने के लिए बढ़ेंगे। तो आरोहणायाग्रयायै, तो यह श्लोक का अर्थ रहा। एक चीज़ बताई गई कि जो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है तो उसका कर्ता एक होता है, क्रियाएं दो होती हैं। तो भुजंग वलय हित्वा, तो सर्प रूपी माला को छोड़ा किसने, शंभुना ने, तो शंभुना का एक कर्ता क्रिया ये हो गई और एक हो गई दत्त। माने शंभु ने जब सर्पों की माला को छोड़कर दत्त माने दिया, क्या दिया, हस्त, किसको दिया, माता पार्वती को अर्थात गौरी को दिया। तो हित्वा का प्रयोग वहीं पर होता है कत्वा प्रत्यय का, कि जहाँ पर कर्ता एक हो, क्रियाएं दो हो। तो शंभुना की दो क्रियाएं मिल गईं, एक हित्वा मिल गया और एक दत्त मिल गया, कि सर्पों की माला को छोड़कर शंभुना भगवान शिव के द्वारा दिए गए हाथ वाली माता पार्वती पादचारिण पैदल घूमने के लिए, विचरे टहलने के लिए निकले। यदि दिया गया है कि गौरी पादचारेण विचरेत, यदि माता पार्वती भगवान शंकर के साथ पैदल टहलने के लिए निकलें तो हे मेघ, अपने अंदर के जल के स्तंभित अंतर जल हो गए, अपने
अंदर के जल के प्रवाह को रोके रखना और तुरंत ही अग्रयायी आगे चलने वाले हे मेघभंगी भक्त्या विरचित बपो अपने शरीर को सीढ़ीदार का बना लेना। अपने शरीर का जो निर्माण है सीढ़ियों के जैसा कर लेना, क्योंकि मणि तट आरोहण की मणियों के शिखरों तक चढ़ने के लिए तुम्हें तुमको सोपान करो सीढ़ियों का कार्य करना चाहिए। यह यक्ष मेघ को बता रहा है। तो यह श्लोक की व्याख्या रही। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।